नमस्कार, आरजी न्यूज पर आपका स्वागत है। थाना आंवला ग्राम क्या हुआ था बताओ? मुसराहा, जहां गांव के दबंग लोगों ने घर में घुसकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ की मारपीट। मामला ये है कि नरेगा का खुदाई गांव में चल रही थी, नाले की, जहां यशपाल सिंह ने बच्चों के काम करने का विरोध किया और मोबाइल से बच्चों के फोटो खींच रहे थे। इसी बात को लेकर गांव के विलियम, टिंकू, परमिंदर, उमिंदर, दिनेश और अन्य अज्ञात लोगों ने गांव के लोगों ने हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वो बरेली जिला अस्पताल में भर्ती हुए। थाना आंवला ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। थाना आंवला पुलिस ने किसी आरोपी को नहीं पकड़ा। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सुनिए और निजमानी, देखते रहिए आरजी न्यूज। अब बोलो, यहाँ हमारे लिए सही इलाज नहीं मिल रहा है। एक गोली भी नहीं दी है खाने के लिए, एक इंजेक्शन, एक बोतल चढ़ी है कल से, और अब ऐसे भगा रहे हैं जैसे किसी कुत्ते को भगाते हैं। जबरिया रुके हुए हैं, अंगूठा मांग रहे हैं, आओ तुम्हारी छुट्टी कर दें। हमने हम ठीक नहीं, चक्कर आ रहे हैं, हमारी स्थिति खराब है, तो छुट्टी करना चाह रहे हैं, इलाज सही नहीं हो रहा है। आपका यशपाल सिंह, कहाँ से आए हैं आप? मुसराहा से। आज जिला अस्पताल में आपके चोट लगी, कैसे लगी? चोट हमारे सरिया से बार किया। किसने? उसने टिंकू ने। हाँ। और फर्जी हाजिरी भरवान के लिए बच्चों को लगाते थे, अपने पिताजी के कार्ड पे बच्चों को लगाते थे। हाँ। मैंने मना किया, सचिव मुझसे मना करके गए, तो बोले दबंग लोग कि अरे ज्यादा नेता बनता, हमारे बच्चे ही आएंगे और हम बच्चों से ही काम कराएंगे, चढ़ाएगा नहीं, हमें नहीं चढ़ाएंगे। तो उसने फोन किया और वो सरिया डंडा लेके आए और तमंचे सरिया से बार किया, हम बेहोश होकर गिर गए। हाँ। पास के घर में घुस गए और उनने मुझे मारा, और एक साथी और मजदूर था हमारा मनरेगा का, उसकी भी मार लगाई, उसकी पत्नी की और हमारी पत्नी को भी मारा। अच्छा, कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले लगभग 8 लोग थे। 8 लोगों का नाम नहीं मालूम है? 8 लोग, 4 लोग तो हमारी कंप्लेंट में, 4 लोग उसकी कंप्लेंट में। अच्छा, राजीव की थाने में सूचना करी आपने? जी, कंप्लेंट दी है, उसकी तहरीर वगैरह सब मिली है, हमारे लिए नकल वहाँ से पुलिस भी गई है। पुलिस ने पकड़ा किसी को? पुलिस फरार हो गए, वो घर पे रुके ही नहीं, 4 बार दबिश दी है पुलिस ने। गांव का है, गांव में जा रहा है ये। तो नाले को लेकर विवाद हुआ था, यहाँ पर नाला खुद रहा था। हाँ, क्या हुआ था बेटा बता? खुदाई चल रही थी यहाँ पे, फिर कुछ लोग आए, पापा ने फोटो खींचे, तो पापा जा गए तो उन्होंने फोटो खींचे, बच्चे लोग काम कर रहे हैं। किसने कहा फोटो को खींच रहा है? ज्ञानंदर आके फिर लड़े, फिर आके फिर कोटी वाले आए वहाँ पे, समझ ने बोले कि डंडाबाजी लेके आए, फिर डंडाबाजी कोटी वहाँ पे कहा काम नरेगा में, 3-4 दिन से रोज डंडाबाजी लेके आ रहे हैं। डंडा सरिया भी थी, सरिया डंडा फोड़ा फोड़ा थे। तो आपको, आपसे, आपके पास मोबाइल था? इसके पास था, छोटे वाले भाई। अच्छा, तुम्हारे पास मोबाइल था बेटा, तो तुमने छीन लिया फिर? बोलता नहीं हूं, बोल ना, तो हूं। लड़ाई हो रही थी तो उसी टाइम वहाँ पे मोबाइल छीन लिया, बोले तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? हाँ। बोले फिर सामने लड़वाए के, तो बोले मतलब वीडियो ना बनाओ तो क्या करें? फिर मारने लगे। हाँ, लड़ाई होगी। किस किस को मारा? पापा को थोड़ा चलाया, वो तो इन्होंने घुमा के ऐसे करके सर घुमाया। आपका नाम? रेनू सिंह। आप कौन है? उनकी जिंदगी चोट लगी, क्या हुआ था बताओ? आप बताओ। उन्होंने जो इन लोगों ज्ञानेंद्र से बहसबाजी हुई कि कहा कि वीडियो क्यों बना रहे, तो कहा हमें कहा है वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए हम वीडियो बना रहे। कह रहे तुम नेता बन रहे हैं यहाँ के, ऐसे बोल रहे। खुदाई कब से चल रही है? 10-11 दिन से। हाँ, खुदाई चल रही है, खुदाई चल रही है, लेकिन ये लोग चिड़ रहे, ये लोग लड़ने की वजह सारे सरिया फोड़ा और डंडे लाठी सब लेके आ रहे हैं। कल इन लोगों ने फोड़ा इनके ऊपर, चार सारे जितने थे साव कोटी के, सारे सब ने फोड़ा ले लेके इनके ऊपर हमला किया। वो तो पता नहीं, इसने धक्का दिया पीछे से, पापा इसके गिरे, जो उसने ज्ञानेंद्र ने धक्का दिया तो इसके पापा गिर गए, ये पीछे गया, इसके 2-3 लाठी लगी, उसने मारे क्या नाम उपिंदर ने,
ओपिंदर भी था, उसके दो तीन लाठी लगी और उसके बाद वो अपनी जान बचा के उधर घर है वहाँ पे दिखाएंगे तुम्हें, वहाँ पे उसका जीना और किवाड़ तोड़ी, वहाँ से दूसरी छत बांधे, वहाँ किवाड़ वाड़ उसकी तोड़ रखी है। विलियम ने मारा, तो पुलिस आई थी, पुलिस आई थी तो पकड़ा किसी को नहीं, किसी को नहीं पकड़ा कोई कारा, उन लोगों इन लोगों ने पैसे भरिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। थाना होला लगता है, है? हाँ। क्या लगता? अच्छा क्या चाहती हो आप? हम चाहते हैं इन लोगों को जेल हो। हुआ था क्या हुआ था? ज्ञानेंद्र आए, उन्हें आया कि जगह जो का कर रहे हैं यहाँ पे, इनके हाथ में मोबाइल हो, मोबाइल लड़का हमारा भी बैठो मशीन काम कर रहा हूँ, तो बाप जो बात हुई तो हमने आया कि बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा हूँ जाते थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद देखा घोड़े और लाठी और तुम चल रहे लोग आए गए यहाँ पे। कौन? विलियम और उपेंद्र और जितेंद्र और दो जने और तीन जने और यहाँ पे आए कि उनसे कई क्या बात की, तो हमने की बात कठिनाई यहाँ पर जो बात थी वो ठप हो गई, कोई बात नहीं अगला को नहीं जो लड़का वो वहाँ पर खड़ो समझे, तो उन्हें ज़्यादा बोल तो नेता बन तो बाप गाड़ी गलौत गई वो अपन छुपचार हो, जब हम जाके जब अगर तुम मानने को ना आगे पीछे पा दी तो उनका समाधान हो चुकी है, तो ये तो ले जाकर इन्हें जाके पाके फॉरम आते वो ठीक। अच्छा हमारे लड़का जो नेत बॉय, अच्छा उनकी बीवी जो हुई वो पानी पिया के आ रही है बराबर में, जब उन्हें को देखो ऊपर गिरी तो उनको मारपीट कर दी, मारपीट करने के बाद जेल में बाहर के लिए फिर लोग आए भज के कहाँ है कहाँ वो सब अंदर ही मतलब छुपा कर रहे तो मेरे लोग ठीक है। आपको आपने देखा ये सब बातें? हाँ सर मौजूद है मुकाबला। क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव कहाँ रहते हैं आप? इसी गाँव में रहते हैं। अच्छा जो नरेगा का काम चल रहा था ये नाला खुदाई का, तो आप मौके पे थे क्या? झगड़ा हुआ था जब? क्या हुआ था बताइए आप जरा। काम चल रहा हो नरेगा में, तो बाबा एक दोस्त है कि सत्तरी आगे हमारी हाजिर भर, हमारी हाजिर भर दादागिरी भाई हर गांव चल रही है। हां तो हीन बिल में कहां सुनी है आप? उसमें किससे हुई थी? कहां सुनी? कहां सुनी? ये ज्ञानेंद्र है, नाम बताओ। ज्ञानेंद्र है, विलियम है, उपेंद्र है और परविंदर है। इनसे हुई थी कहां सुनी? हां अच्छा। और इनके और नहीं तो कहा सुनने के बाद मारपीट भी हुई क्या? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? तो ये जो झगड़ा हुआ है कल 8:30 के टाइम में, तो ये नाले की जो खुदाई चल रही नगर नरेगा में, क्या क्या मामला है इसमें, क्या मारपीट हुई है? मैं काम कर रहा था तो ये ऐसे लोग फालतू लोग खड़े थे, उनका फोटो ले रहे थे, तो इन लोगों ने विरोध किया, आप क्यों फोटो खींच रहे हो, हमारे बदले बच्चे काम कर रहे हैं, तो इसके चक्कर में इन लोगों ने उस बार नहीं बोले, थोड़ी देर बाद आए लट्ठी डंडा लेके आए, मोबाइल छीन लिया और वीडियो बना रहे थे, वीडियो बनाते मोबाइल छीन के ले गए, मोबाइल फोड़ दिया और इस ये हैं मेट इनको मारा। किन्ने मारा? विलियम ने, रिंकू ने, विलियम ने, उपेंद्र ने, टिंकू ने, परवेंदर ने, ये सब थे गांव के ही हैं सब? गांव के उपेंद्र थे। तुम्हारा? गौरव चौहान। कहाँ रहते हैं आप? मुसरा। ये जो झगड़ा हुआ था नगर नरेगा वाला जो नाला खुदाई चल रहा है काम, इसमें कल जो विवाद हुआ था 8:30 क्या हुआ मामला, क्या है मामला जी? इसमें सब जने काम कर रहे थे, अचानक लाठी डंडा लेकर आए, इन्होंने हमला कर दिया। कितने? इन्हीं लोग टिंकू ने और उपेंद्र ने, इतवारी ने, दशेंद्र ने, परवेंदर ने, अंकित ने और विलियम ने, और इन्होंने राजीव चाचा का मोबाइल फोड़ दिया और मोबाइल जेब में रुपए थे वो सब छीन लिए, सब पे लाठी डंडा थे, तमंचा बंदूक सब थी। आप थे मौके पे? हाँ। ये भाग के इन्होंने ये और वो वहाँ पे है, ये डंडों से तोड़ी है, ये यहाँ से लाठी डंडा मार मार के इन्होंने अपनी जान बचाई, ये जान बचा के भागे, उन्होंने तोड़ दी पीछे से, इन्होंने यहाँ लाठी उठी मारी सब, ये टीम तोड़ दी सब, हाँ टीम तोड़ दी लाठी, धर्म को से आते जीना से कूद के वो पीछे लौटे, वहाँ से भागे अपनी जान बचाने के लिए, जो हमारे हस्बैंड थे वो अपनी जान बचाने, ये लोग पूरे मारने पूरा इरादा था इन लोगों, मोबाइल बोलती है मोबाइल मोबाइल जान से मारने की नहीं, मतलब एकदम हमला कर दिया, रिवॉल्वर और क्या नाम तमंचा सरिया बंदूक लेके आए थे ये लोग सब तैयार, लेकिन हम लोग तो ये तो मोबाइल लेके आए थे।
हाँ बताओ। ये इस पे आके हम वहाँ छत पे चढ़े थे, कहा निकालो निकालो बाहर निकालो यहाँ, ये सारे डंडे डंडे लड़कियाँ लड़का सब डंडे डंडे यहाँ बजा रहे यहाँ पे फाटक पे तोड़ दे बेकार कर दे कि बाहर निकालो बाहर। वो अपनी जान बचाए वहाँ खड़े थे, वहाँ घेरे लड़के वहाँ खड़े थे, और यहाँ लेडीजे हम लोगों को हमें यहाँ कोई जेंट्स था ही नहीं, हमें घेरे पड़ी थी यहाँ मारने के लिए। हमने कहा घर पर चढ़ के आ जाओ, लेकिन अंदर चढ़ चढ़ जा रहे अंदर चढ़ चढ़ जा रहे हम लोगों ने गेट बंद किया, ये लोग ऊपर चढ़ चढ़ के आ रहे। कौन? ये साहुकोटी के साथी थे। क्या नाम? टिंकू उपेंद्र टिंकू दशेंद्र, ये सारे लोग या तुम? और उपेंद्र तो क्या नाम उसका, बहुत सारे लड़के थे टिंकू के, तो पूरे सारे भैया थे सारे भाई, और ये उपेंद्र के भी दोनों भाई थे, दो भाई हैं, दोनों भाई थे उपेंद्र के भी सारे, और क्या नाम इनके विलियम ये सब।